नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश सरकार के नए नए मंत्री लगातार सवालों के घेरे में घिर रहे हैं। जी हां, विपक्ष के सवालों के घेरे में वो उलझ जा रहे हैं। दरअसल मंत्री नए नए हैं, कई सारे नए मंत्री बनाए गए हैं। कल ही आपको याद होगा कि जयंत राज भी सवालों के घेरे में घिर गए थे। दरअसल उन्होंने सवालों का गलत जवाब दिया था और विपक्ष ने उन्हें घेर लिया था। तो आज बारी थी मुकेश सहनी की। जी हां, वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी और सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं, क्योंकि उनके चार विधायक हैं सदन में। खुद मंत्री हैं मुकेश सहनी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री। आज सवालों के जवाब में वो खड़े हुए थे, सरकार की तरफ से सवाल का जवाब दे रहे थे। दरअसल विधायक विनय कुमार ने सवाल खड़े किए थे भवनों के निर्माण को लेकर, पशुपालन विभाग के भवन के निर्माण को लेकर। तो मुकेश सहनी ने जवाब देते हुए कहा कि भवनों का निर्माण किया जा रहा है, पशुपालन विभाग के भवनों का निर्माण हो रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हो गए और आमने सामने आ गए मुकेश सहनी के। नेता प्रतिपक्ष और मुकेश सहनी के बीच सवाल जवाब के दौर शुरू हो गए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को घेर लिया सदन में और पूछा, कई तरह के उस पर पूरक सवाल पूछे उन प्रश्नों के जवाब में, जो मुकेश सहनी ने बिना तैयारी के जवाब जो जरूर दे दिया कि भवनों का निर्माण हो रहा है, पर तेजस्वी यादव ने दनादन कई सवाल दाग दिए मुकेश सहनी पर। तो मुकेश सहनी उलझ गए। देखिए पूरा वाक्य क्या हुआ सदन के अंदर जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए। सकारात्मक है, वर्तमान स्थिति यह है कि गया जिले के गुरुआ प्रखंड में प्राथमिक वर्गीय पशु अस्पताल गुरुआ किराए के भवन में संचालित है तथा पशु अस्पताल हेतु जमीन उपलब्ध है। भवन निर्माण विभाग को पशु अस्पताल भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है। भवन निर्माण विभाग से वर्तमान प्रगति प्राप्त कर भवन पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी। महोदय, यह बता रहे हैं कि भाई भवन निर्माण को हम लोग राशि उपलब्ध करा दिए हैं और मुझे यह पता है कि लगभग वह 12 वर्ष पहले टेंडर हुआ है और वो अर्धनिर्मित भवन है और वहां पे दो लेवल तक काम कर यह कह देने से नहीं चलेगा। महोदय, माननीय मंत्री, निश्चित तौर पे हमने पैसा उपलब्ध करा दिया है और बहुत जल्द से जल्द मैं इस पे जांच करा के और जल्द से शीघ्र ही काम कराने का कृपया करूंगा, कोशिश करूंगा। नहीं, एक डेट बताएं महोदय, जब 12 वर्षों में वो नहीं हुआ तो कब बनेगा? 2 एकड़ लगभग वहां पे जमीन है, वो डोर लेवल है, वो जांच का विषय है और 12 वर्षों से हमारा अस्पताल एक निजी भवन में चल रहा है, ये जनहित का मामला है। महोदय, कुछ जमीन का मुझे जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुकूल वहां पे जिस समय में हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग को पेमेंट किया उस समय तक जमीन का एलिगेशन के वजह से वो रुका पड़ा था। उसके बाद वो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ने के कारण उस पे काम हम लोग बहुत जल्दी ही चालू करवाएंगे दोबारा हम लोग DPR में लाके। चलिए महोदय, निश्चित तौर पे बहुत जल्द से जल्द कर देंगे। ये पूरक प्रश्न आपके अब ये पूछ लिया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष उठे हैं, बैठ जाइए आप। 20 सालों तक अगर जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी जो है मंत्रालय ने जो 12 साल प्रश्न जो 20 साल है 12 साल टेंडर हुए हुआ तो जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर वहां भवन का निर्माण नहीं करा पाई है तो उनका सवाल है क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी और कोई समय सीमा बता दी जाए? और जो आपने जो आवंटन के लिए जो टेंडर के लिए जो पैसा ट्रांसफर किया है भवन निर्माण विभाग को, वो कब किया महोदय और उसकी व्यवस्था अभी क्या है सच्चाई? पैसा उपलब्ध हमने करा दिया है और बहुत जल्द ही मैं इस पे जांच करके और इस वित्तीय वर्ष में अगर जानकारी आप विभाग से लेकर पत्र भेज दीजिए। इसकी जानकारी मैं उपलब्ध आपको सदस्य महोदय को मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। महोदय, तब तो ये प्रश्न को जो है स्थगित किया जाए महोदय। नहीं, देखिए प्रश्न पूछने का मतलब तो यही नहीं, जब भी हमने भवन निर्माण विभाग को हमने पैसा अलॉट किया, कब कराया मतलब उसके समय मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष महोदय,
संतोषजनक जवाब नहीं होने के कारण महोदय ये प्रश्न को जो है स्थगित किया जाए महोदय, इस विधायक स्थगित किया जाए महोदय, अगले कार्रवाई के मामले में भी अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की जाएगी इस पे भी नहीं बता रहे, कार्रवाई करना चाहेंगे माननीय सदस्य प्रश्न अब बैठ जाइए प्रश्न में इन्होंने किए हैं कि पशु अस्पताल के भवन निर्माण करने की विचार रखती है या नहीं, तो मंत्री जी कह दिए कि हम विचार रखते हैं, हम देख लेते हैं, सकारात्मक जवाब दिए हैं और आपको विशेष जानकारी है तो फिर प्रश्न करेंगे या मिल लेंगे तो जवाब मिल जाएगा सप्लीमेंट्री, तब तो सप्लीमेंट्री प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जो प्रश्न किया गया उसका जवाब तो दिए हैं सप्लीमेंट्री प्रश्न, श्री कुंदन कुमार मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अब चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन लटक जाएगा बहुत सारा। कुंदन कुमार अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी प्रश्न पूछे कुंदन जी, आप पूछ लिए सर। हाँ चलिए, तो देखा आपने कि किस तरह से सदन के अंदर मुकेश सहनी सवालों का जवाब देते देते घिर गए। तेजस्वी यादव ने कई सारे सवाल पूछे तो मुकेश सहनी उनका जवाब नहीं दे सके। दरअसल मुकेश सहनी जवाब की तैयारी में करके पूरी तरह से नहीं आए थे और जो पूरक सवाल पूछे गए, दरअसल सवालों के जवाब में जो कई सवाल खड़े किए तेजस्वी यादव ने, उसका जवाब मुकेश सहनी नहीं दे सके। खैर, नए नए मंत्री बने हैं और कई नीतीश सरकार के कई नए मंत्री लगातार घिर रहे हैं। सदन की जब शुरुआत हुई थी तो कई मंत्रियों ने जब भाषण दिया था, अपने तरफ से संबोधन दिया था, तो उसमें भी वो फंसे थे। कल जयंत राज फंसे और आज मुकेश सहनी की बारी थी। मुकेश सहनी और तेजस्वी का आमना सामना हो गया। खैर, ये नोकझोंक चली। हालांकि जब आप फिर मुकेश सहनी हंसकर जो है बैठ गए, फिर ज़्यादा देर मामला आगे नहीं खींचा। पर आपको जयंत राज के बारे में बताएं, जो जयंत राज के साथ कल हुआ था, विपक्ष ने तो सवाल खड़े कर दिए थे और जयंत राज के पर गलत जवाब देने का आरोप लगाया था। कल ये भी हुआ था कि मदन सहनी जो हैं मंत्री हैं, हालांकि पुराने मंत्री हैं, वो घिर गए थे। दरअसल माले के विधायकों के सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कर दी थी, तो आज बवाल पूरे दिन शुरुआत में चला है। उसके बाद सदन में बैठ कर सभी दलों ने सुलह कर ली। तो खैर, इस बीच हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के सवालों के घेरे में उलझ गए। नए नए मंत्री बने हैं, हालांकि सवाल का जवाब वो दे रहे थे। खैर, अब आगे देखते हैं कि और क्या कुछ होगा, किस तरह के रंग देखने को मिलेंगे। नए नए मंत्रियों की क्लास जरूर लग रही है सदन के अंदर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।